गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भिन्नोपेश संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने जोड़ करना जो है दो फ्रैक्शन को जोड़ना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग दो भिन्नों को घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग देना सीखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, क्या स्टार्ट किया था कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते। तो आप सभी बच्चों को अगर याद होगा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को ऐड करना बता देते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 2/3 प्लस 1/4, ऐसे प्रश्नों को हमने जोड़ना सीखा था। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे जोड़ते हैं, तो नीचे वाले का हम लेते हैं एलसीएम, जैसे 4 और 3 है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो चेक करेंगे 3 और 4 किस पहाड़े में आते हैं, यानी दोनों किस पहाड़े में आते हैं। तो ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों आता है, यानी एलसीएम लेना था। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 3 से हम भाग लगाएंगे इस 12 में। ठीक है, इस 3 से हम भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 12 में कट जाएगा। तो जो 4 आएगा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब इस 4 से, इस 4 से हम भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 3 12 3 बार में कट जाएगा। तो इस 1 में, इस 1 में गुणा होगा कितने से, 3 से। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, अब बट्टे में है 12, और 8 और 3 कितना होता है, 11, अब बट्टे में है 12। ये आपका आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों क्लियर है कि कैसे हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे ऐड करते हैं? क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कर देंगे जल्दी से सभी बच्चे। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? चलिए मैं एक प्रश्न देता हूं, आप सभी बच्चों को उसे सॉल्व करके बताना है। जैसे ये एक प्रश्न है आपके सामने, 4/5 प्लस करना है 2.1/4 के साथ। आप इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, लास्ट क्लास में आपने इस पे आधारित प्रश्न किया था। सभी बच्चे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 4/5 प्लस 2.1/4। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट क्लास में आपने इस पे पढ़ा था आधारित प्रश्न, कैसे ऐड करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करें चैट सेक्शन में, 4/5 प्लस 2.1/4 कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, चैट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर देना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे चैट सेक्शन में। इतना समय लग रहा है? अगर किसी बच्चे का हो जाता है तो कॉपी ऑन करके दिखा सकते हैं। दीक्षा का आंसर आ गया 61/20। बाकी बच्चे भी करें, बाकी बच्चे भी आंसर करें। कॉपी दिखा रहे हैं 61/20। ठीक है, बलवान नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है, चेक करेंगे अभी। चलिए चेक करते हैं, बाकी बच्चे आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। 10 9 8
सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। चलिए अब मैं करके बताता हूं। चार बट्टे पांच में आपको ऐड करना है इसे, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं और ऊपर से प्लस वन कर देते हैं। तो चार दुनी आठ और एक नौ बट्टा चार, क्योंकि हर जो है नहीं बदलता है। अब बताइए पांच और चार का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो पांच में चार से गुणा हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा ट्वेंटी। अब पांच से भाग देंगे ट्वेंटी में तो कितना आएगा, पांच से अगर हम भाग देते हैं ट्वेंटी में, पांच से अगर हम भाग देते हैं ट्वेंटी में तो कितना आएगा, पांच में अगर ट्वेंटी से भाग देंगे तो आएगा आपका, पांच में ट्वेंटी से भाग देंगे तो आएगा चार, ऊपर में इसके चार है तो चार से मल्टीप्लाई हो जाएगा चार में प्लस, अब फिर इस चार से पांच में भाग देंगे तो आएगा पांच, तो अब ये क्या होगा नाइन में गुना हो जाएगा कितने से, पांच से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो चार चौका कितना हो जाएगा सोलह प्लस नौ पचे पैंतालीस, अब बट्टे में कितना है ट्वेंटी। अब इसे जोड़िए तो सोलह और पैंतालीस को जोड़ेंगे तो आएगा कितना सिक्सटी वन अपॉन में ट्वेंटी, जो कि आपका क्या हो गया आंसर। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। जय वर्मा माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। चल तो एक प्रश्न है, नौ बट्टा चौदह प्लस करना है आपको पांच बट्टा इक्कीस को। पहले तो आप चौदह और इक्कीस का एलसीएम निकालिए कितना आएगा। ठीक है, इसमें गुणा नहीं होगा क्योंकि तीन के पहाड़ा है, सॉरी सात के पहाड़ा में चौदह भी आता है इक्कीस भी आता है, तो पहले इसका एलसीएम निकालिए कितना आएगा, उसके बाद आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। तो पोल में दूंगा आपको पूरे एक मिनट के बाद, पहले इसे आप सॉल्व कीजिए तब मैं इसका पोल दूंगा। गुड इवनिंग पुष्पा, क्वेश्चन को हल कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फिर मैं पोल दूंगा। नौ बट्टा चौदह और पांच बट्टा इक्कीस का ऐड करना है आपको, योग बताना है। तो चौदह और इक्कीस का पहले एलसीएम लेंगे फिर जो तरीका बताया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है आपको, इसका एलसीएम लेना आना चाहिए। जो एलसीएम लेना सीख जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर जिनका सही होगा उनका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबका हर अलग अलग है, एलसीएम जो आएगा वही हर हो जाता है लगभग ज्यादातर उत्तर में। ठीक है, जिनका एलसीएम सही होगा उनको उत्तर आ जाएगा, क्योंकि देखिए सब में एलसीएम अलग अलग है, यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 42 है, तो जिनका हर निकल जाएगा उनका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। एलसीएम निकालने आप लोगों को नहीं आ रहा है, इसलिए सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। एलसीएम आप लोगों को निकालने नहीं आ रहा है, पिछली क्लास में भी एलसीएम निकालना लसा निकालना सिखाया था,
और आप लोग बार बार लसा में गलत कर रहे हैं, एलसीएम निकालने में गलत कर रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो हमें 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है एलसीएम? 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो हम चेक करेंगे कि वो कौन सा पहाड़ा है जिसमें 14 भी आता है 21 भी आता है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 14 भी आता है 21 भी आता है? तो वो पहाड़ा है 7 का। 7 के पहाड़ा में 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है 3 भी आता है? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो 14 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? हम 7 से गुणा करेंगे 2 में, 2 से गुणा करेंगे 3 में। ये आपस में गुणा हो जाता है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 2 = 14। और 14 × 3 कितना होता है? 14 × 3 = 42। 14 × 3 कितना होता है? 42। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया 42, ठीक है। अब 14 × 3 = 14 से 42 में भाग देंगे तो आएगा 3। अब 9 में गुणा होगा 3 से प्लस 21 में 42 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 21 × 2 = 42। तो 5 में गुणा होगा 2 से, ठीक है। नीचे वाला मिटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, ठीक है। अब देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 12 प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 12 नहीं आएगा 27 आएगा। 9 × 3 कितना आएगा? 27। अब 5 × 2 कितना आएगा? 10। बटे में कितना है? 42, ठीक है। 27 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 37। अब बटे में कितना आएगा? 42। तो आंसर क्या होगा? 37/42, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत था। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज अभी बता दीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अभी बता दिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए सभी को क्लियर है। तो ये था हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित 37/42 जो कि उत्तर होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे सबट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग जो है लास्ट क्लास में धीनो पे संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने जोड़ को कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम लोग सीखेंगे घटाव करना, 2 फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, और गुणा करना कि 2 फ्रैक्शन को कैसे गुणा करते हैं। तो जिनको ऐड आ गया होगा, जोड़ना आ गया होगा, उनको घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे दिक्कत नहीं होने वाली है तो ध्यान से देखिएगा। जैसे एक प्रश्न है कि 3/4 में से आपको घटाना है 2/3 में, तो नियम वही रहेगा जो जोड़ने में था। नियम क्या था कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? कोई ऐसी संख्या जिसमें 4 और 3 दोनों आते हैं, कोई ऐसा पहाड़ा है? कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 भी आता हो और 3 भी आता हो। तो इनको सिंपली क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे 12 में, पहला वाला में क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना आएगा? 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो आएगा 3, और इसके ऊपर में 3 है ऑलरेडी, तो 3 से गुणा हो जाएगा 3 में, माइनस, क्योंकि अब माइनस का सीन है तो माइनस का लगा देंगे। अब हम भाग लगाएंगे 3 से 12 में, ठीक है। तो 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4, 4 × 3 = 12, यानी 3 × 4 = 12 होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है,
तो दो में गुणा होगा कितना से, चार से, क्योंकि भाग लगाने पे कितना आ रहा है, चार आ रहा है, इसलिए यहां पे दो में गुणा होगा चार से। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिए, तीन में तीन से गुणा करेंगे तो होगा नाइन, माइनस दो में चार से गुणा करेंगे तो होगा एट, अब बट्टे में है ट्वेल्व, अब नौ में से आठ गया तो आएगा एक, अब बट्टे में है ट्वेल्व, तो इसका आंसर क्या होगा, एक बट्टा बारह। बताइए, जैसे हम जोड़ते थे वैसे ही घटा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, बस जहां प्लस होता था वहां माइनस हो जाएगा, बाकी माइनस तो आपको करने आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। प्रश्न क्या है, आपको घटाना है दो बट्टे चार से, माइनस करना है एक बट्टे तीन को, ठीक है, दो बट्टे चार में से आपको माइनस करना है एक बट्टा तीन को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। चार सेक्शन में सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। दो बट्टा बारह कट जाएगा, एक बट्टा सिक्स हो जाएगा, दो बट्टा बारह जो है दो से कट जाएगा, दो एकम दो और दो छक्के बारह, ये कट के आंसर आएगा अगर दो बट्टा बारह आएगा तो। दीक्षा ने देखिए एक बट्टा सिक्स किया है, बहुत अच्छा, पुष्पा ने भी, बहुत अच्छा, तो कटा देना है, जहां कटेगा वहां कटा देना है, बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं क्या होगा, तो चार और तीन का पहले हम एलसीएम लेंगे जो कि कितना हो जाएगा, ट्वेल्व भी होगा। अब देखिए चार से हम भाग लगाएंगे बारह में, कितना आएगा, चार तीन बारह तीन आएगा, तो ये दो जो ऊपर है इसमें गुणा हो जाएगा तीन से, माइनस तीन से भाग लगाएंगे हम बारह में, कितना आएगा, चार आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक में गुणा होगा चार से। अब देखिए तीन में दो से गुणा होगा तो सिक्स, माइनस चार में एक से गुणा होगा तो आएगा चार, अब बट्टे में कितना है ट्वेल्व, अब देखिए छह में से चार गया आएगा दो, अब बट्टे में कितना है बारह, तो ये कटेगा दो एकम दो, दो छक्के बारह, इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई सिक्स। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है सभी बच्चों को, चलिए तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, चार बट्टे पांच से आपको घटाना है एक बट्टे तीन को। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। सभी बच्चे पहले इसे नोटबुक पे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल में दूंगा 20 सेकंड के बाद, सभी बच्चे पहले कोशिश करें। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना कंपलसरी है, जरूरी है, जरूर आंसर करना है, ठीक है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है।
सिर्फ एक बच्चे का अभी तक आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सही है। तो लास्ट का 10 सेकेंड है, दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, वो दो बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के दो बच्चे आंसर नहीं किए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने आंसर किया है, बस चार बच्चों का आंसर गलत है। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है सबसे पहले नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बताइए 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, चैट सेक्शन बताइए सभी बच्चे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15। ये तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब 15 में भाग लगाएंगे किससे, 15 में भाग लगाएंगे 5 से। तो 5 से भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा, 5 15 3 आएगा, इसके ऊपर बैठा है 4, तो 4 में गुणा हो जाएगा कितने से, 3 से, माइनस का चिन्ह है तो माइनस से। अब हम भाग लगाएंगे 3 से कितने में, 15 में, तो 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा, 3 5 15 यानी 5 आएगा। तो इसके ऊपर है 1, तो 1 में गुणा हो जाएगा कितने से, 5 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, माइनस है तो माइनस, 1 में गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा, 5, बट्टे में है 15 तो 15 ही रहेगा। अब देखिए 12 में के 5 गया कितना आएगा, 7, अब बट्टे में 15 है तो 15 ही रहेगा, यानी आंसर क्या हो गया, 7/15 जो है हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हम कैसे एलसीएम ले रहे हैं, कैसे गुणा भाग कर रहे हैं, तो वो बच्चा एन टाइप करके माइक ऑन करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। देखिए डाउट मन में नहीं रखना है, जहां पे भी समझ में नहीं आता है पूछना है, जहां पे भी नहीं समझ में आता है पूछना है। है कोई ऐसे बच्चे जिनको सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वो आंसर हो जाएगा 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे जो है आपको घटाना है 7 पूर्णांक 1/3 में से 3 पूर्णांक 3/4 को घटाना है, यानी 7 पूर्णांक 1/2 को माइनस करना है 3 पूर्णांक 3/4 को। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले हम इसे किसमें बदलेंगे, अनुचित भिन्न में। इसे भी किसमें बदलेंगे, अनुचित भिन्न में। तो आप सभी बच्चे बताएंगे 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 15/2 बन जाएगा, माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, और 3 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 15/4 बन जाएगा। और इसे सॉल्व करना आप सभी बच्चों को आता है, तो 2 और 4 का एलसीएम लीजिए और इसे सॉल्व करके आंसर बताइए किसका आंसर क्या आएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए मैंने आप लोगों को एक स्टेप सॉल्व भी कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने अनुचित भिन्न में बदल दिया जो कि आपको आता है, और सभी बच्चे अभी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से आप ट्राई कीजिए, 2 और 4 का पहले एलसीएम लीजिए, फिर आप इसको भाग गुणा करके आंसर बताइए। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखिए जल्दी जल्दी आंसर करते हैं आप लोग, यही से गलत होना शुरू हो जाता है। तो जल्दी जल्दी आंसर नहीं करेंगे, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। देखिए पहले बच्चे का आंसर गलत हो गया, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है बाबू, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। किस चीज की जल्दी है, हमें यहां पढ़ने आए हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए कम सीखिए लेकिन अच्छे से सीखिए, आप बहुत ज्यादा सीख लेंगे आज समझ में कुछ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, सॉल्व करने नहीं आएगा, तो ज्यादा क्वेश्चन करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो जितना सीखिए, जितना पढ़िए अच्छे से सीखिए, ठीक है, हम सभी चीजें पढ़ेंगे लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है,
कितने बच्चों को एलसीएम लेने ही नहीं आ रहा है, और सबसे ज्यादा गलती वहीं पे हो रही है एलसीएम लेने पे, ठीक है, सबसे ज्यादा गलती एलसीएम लेने में ही बच्चे कर रहे हैं। बताइए, दो और चार का एलसीएम कभी भी दो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, जैसे चार और पांच का, पांच और दस का, तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है ना, उसके बराबर या उससे बड़ी ही एलसीएम होती है, कभी छोटी नहीं होती। तो यहाँ पे दो और चार का एलसीएम, यानी चार से छोटा एलसीएम तो होगा ही नहीं। कभी भी अगर दो संख्या का एलसीएम ले रहे हैं, तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है उससे बराबर या उससे बड़ा ही एलसीएम आता है, उससे छोटा एलसीएम कभी नहीं आता। और तीन बच्चों ने चार से छोटा एलसीएम लिया है, जो कि उनका गलत आंसर है, ठीक है। दो और चार का एलसीएम लेना है तो कभी भी चार से छोटा एलसीएम नहीं आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के चार बच्चों ने गलत आंसर किया। तीन बच्चों ने सी को आंसर किया जो कि गलत है, एक बच्चे ने ए का आंसर किया जो कि गलत है, बी को कोई आंसर नहीं किया, डी जो है इसका राइट जवाब होगा। कैसे राइट जवाब होगा चेक करते हैं। देखिए, दो और चार का एलसीएम कितना होगा, दो और चार का एलसीएम लेना है, तो बताइए वो कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में दो और चार दोनों आता है, तो वो दो है, दो के पहाड़े में दो और चार दोनों आता है, तो दो एकम दो, दो दूनी चार। अब इसका एलसीएम लेना है दो और चार का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दो में गुना होगा दो से, तो चार हो जाएगा इसका एलसीएम। अब चार से भाग लगाएंगे हम चार में, दो से भाग लगाएंगे चार में, तो दो दूनी चार दो से कटेगा, तो ऊपर में है 15, गुना होगा कितना से, दो दूनी चार दो आ रहा है, तो दो से गुना हो जाएगा माइनस, चार में भाग लगाएंगे चार से, चार में भाग लगाएंगे चार से तो आएगा एक, तो 15 में गुना होगा एक से, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए 15 में दो से गुना करेंगे 30, माइनस 15 में एक से गुना करेंगे 15, बट्टे में है चार, 30 में से 15 गया आएगा 15, बट्टे में है चार, तो आंसर क्या आएगा 15/4। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। देखिए, जिन तीन बच्चों ने सी को आंसर किया था, आप लोग माइक ऑन करके प्लीज बता दीजिए कहां पे गलती किए थे। जिन तीन बच्चों ने सी को आंसर किया था, तो प्लीज माइक ऑन करके बता दीजिए कि कहां पे आपने गलती किया था। ये गलत आदत है, क्या दिक्कत है, गलती हो गई कोई बात नहीं, एक बार बता तो दीजिए कि सर यहां पे हमने गलती किया था, हमें यहां पे नहीं समझ में आया था, हमें पता तो चलेगा कि हाँ अब आपको समझ में आ गया। जैसे सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो माइक ऑन करके बताने में क्या दिक्कत है। जिन तीन बच्चों ने गलत किया था, एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए ना कि हाँ सर यहाँ पे गलत हुआ था। ये अच्छी बात नहीं होती है, आप लोग नहीं बताते हैं, ये एकदम गलत बात होती है, ठीक है। अगर आपसे गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, बताइए। कोई दिक्कत हो रही है जी, गलत हो गया बता दीजिए कि सर हमें ये नहीं समझ में आया था इसलिए गलत हो गया था, अभी हम समझ गए, कितनी अच्छी बात होती। लेकिन चैट सेक्शन में सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, लेकिन कोई भी मुंह से नहीं बोलना चाहता, क्यों, क्या दिक्कत है। आ गया सर समझ में, ठीक है ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/4, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को घटाना आ गया होगा, तो घटाने के बाद हम गुणा करना सीखते हैं। क्या सभी बच्चों को घटाना आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर घटाना आ गया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है कहीं पे भी घटाने में तो डी टाइप कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, तो अब हम लोग गुणा करना सीखते हैं कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। तो बताइए, यहां पे मैं लिखा हूं 5, ये कौन सी संख्या है,
पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि क्या है, कि पूर्णांक है क्या है ये। तो पांच पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी है। बात समझ में आया? तो देखिए गुणा करने के दो नियम है, यानी कि जैसे चार बट्टा तीन एक भिन्न है और पांच बट्टा छह एक भिन्न है, यानी दो भिन्न को कैसे गुणा करते हैं। और एक ऐसे हो सकता है कि एक जो होगा कोई पूर्ण संख्या होगा और एक जो होगा भिन्न होगा, जैसा कि उदाहरण वन में आप देख सकते हैं, ये उदाहरण वन है और ये उदाहरण टू है। तो उदाहरण वन में आप देख सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या, ये चार क्या है पूर्ण संख्या है, और ये दो बटा तीन क्या है एक भिन्न है, और यहां पे ये जो है चार बटा तीन भी भिन्न है और पांच बटा छह भी भिन्न है। तो नियम याद रखिएगा कि एक पूर्ण संख्या हो और दूसरा भिन्न हो तब भी वही नियम लगेगा जब दोनों भिन्न हो, दोनों के भिन्न में कोई गुणा करने में अंतर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? ठीक सर, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो चार को अगर दो बटा तीन से गुणा करना है तो एक्चुअली जिसके नीचे हर में कुछ नहीं होता वन होता है। जैसे वन के नीचे क्या है वन है, पांच के नीचे क्या है वन है, छह के नीचे क्या है वन है, सात के नीचे क्या है वन है, यानी जिस संख्या का हर नहीं होता तो प्रत्येक दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सबकी हर जो होती है वन होती है। जैसे मैं लिख दूं पांच, तो इसको अगर भिन्न में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे पांच बट्टा एक। अब मैं कह दूं छह, तो इसको भिन्न में लिखना होगा तो क्या करेंगे, कहेंगे छह बट्टा एक। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार जो ये चार है हम इसको क्या लिख सकते हैं, चार बट्टे एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो चार को दो बट्टा तीन से गुणा करना तो चार बट्टा एक हो गया। गुणा करना है कितना, दो बट्टा तीन से। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये गुणा जो होता है हमेशा ऊपर ऊपर का सामने सामने गुणा होगा, नीचे का नीचे से गुणा होगा, कभी भी ऊपर का नीचे से, नीचे से ऊपर का गुणा नहीं होता है। गुणा कभी भी होगा तो ऊपर वाले दोनों का ऊपर में, नीचे वाले दोनों का नीचे में। तो आप बताइए चार में दो से गुणा करेंगे तो आठ, और नीचे से गुणा करेंगे एक में तीन से तो तीन। ये आपका आंसर हो गया, आठ बटा तीन जो है आंसर हो गया। इसी प्रकार चार बट्टे तीन को गुणा करना है तो चार बट्टा तीन गुने में पांच बट्टा छह, तो पांच बट्टा छह। मैंने बताया था कि ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, नीचे का नीचे से, तो ये दोनों आपस में गुणा होगा ऊपर वाला, ये तीनों दोनों जो है आपस में गुणा होगा नीचे वाला। तो क्या करेंगे, चार में पांच से गुणा करेंगे ट्वेंटी, बट्टे में तीन में छह से गुणा करेंगे तो अठारह। अब देखिए बीस बटा अठारह, कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें बीस और अठारह दोनों आता है, वो है दो। तो इसको काट दीजिए दो से, दो दहैया बीस और दो नवा अठारह, यानी आंसर कितना आ गया, दस बट्टा नौ। क्या किसी बच्चे को डाउट है गुणा करने में कैसे गुणा करते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसे गुणा करने नहीं आ रहा हो? चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे। एक बटा चार में गुणा करना है पांच बटा छह से। चलिए सभी बच्चे गुणा करके बताइए, तो एक बटा चार में गुणा करना है पांच बटा छह से, आंसर क्या आएगा? चार सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए, एक बटा चार को गुणा करना है पांच बटे छह से, आंसर क्या आएगा? मैंने बता रखा है कि आपको ये ऊपर वाला दोनों ऊपर में गुणा हो जाता है, नीचे वाला दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो एक में पांच से गुणा करेंगे पांच, छह में चार से गुणा करेंगे तो आएगा ट्वेंटी फोर, जो कि आपका हो गया आंसर। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी?
देखिए कुछ समय के लिए आपको आवाज या कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? एक बार चैट सेक्शन बताइए सभी बच्चे जल्दी से, अभी क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया। एक प्रश्न और देता हूं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे इसका, ठीक है। एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। 5/10 में गुणा करना है 3/5 से, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 5/10 में गुणा करना है 3/5 से, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। आप सभी बच्चों को पता है कि दोनों ऊपर वाला आपस में गुणा होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में गुणा होगा, नीचे वाला दोनों आपस में गुणा होगा, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, बट्टे में क्या आएगा 10 × 5 = 50। अब देखिए 15 और 50 में कोई कटेगा? कटेगा, 15 और 50 दोनों 5 के पहाड़ा में आता है, तो 5 से इसे काट दीजिए। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 50, तो आंसर कितना आएगा 3/10। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला दोनों आपस में गुना होता है, नीचे वाला दोनों आपस में गुना होता है, फिर जो आता है उसे हम काट देते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में, आपको गुणा करना है 30 को, तो 30 को क्या लिख सकते हैं 30/1, और गुणा करना है कितना 7/20 से, गुणा कीजिए सभी बच्चे। तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 59, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आ देखिए जो कटेगा उसको कटा के ही आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। जो कटेगा उसको कटा के आंसर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छा, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, गुणा करने के बाद जो आता है उसे कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से 4 बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकंड है। जिन 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से लास्ट के 10 सेकंड में आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए कैसे करेंगे, 30 में 7 से गुणा करेंगे, फिर 1 में 20 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21 और 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे, बट्टे में है, 1 में 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। अब देखिए ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है,
ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 21/2 जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो कटा देते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को। तो हमने क्या किया, 30 में 7 से गुणा किया जो कि आया 210, 1 में 20 से गुणा किया जो कि 20 आया, ऊपर भी जीरो था नीचे भी जीरो था, जीरो जीरो कट गया, आया 21/2 जो कि आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। चल अब यहाँ पे एक प्रश्न कीजिएगा, जैसे मैं 4/3 को आपको गुणा करने के लिए कहता हूं 5/6 से, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे कितना आएगा, 4/3 को 5/6 से गुणा करना है, आंसर बताइए क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे, चार सेक्शन में आंसर बताइए, 4/3 को गुणा करेंगे 5/6 से क्या आएगा, तो ऊपर वाला दोनों आपस में गुणा करेंगे, 4 से 5 में गुणा होगा और 3 से 6 में गुणा होगा, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 और 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, तो 20/18 कट जाएगा 2 से, कैसे कटेगा, तो 2 दहिया 20 और 2 नवा 18 आंसर आ जाएगा 10/9। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ना, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से, कहीं पे भी नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे रिप्लाई, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है ना। अभी भी 3 बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में आप हैं कि नहीं है, 3 बच्चों का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, देखिए क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कीजिए, 14/15 में आपको गुणा करना है 5/7 से, ठीक है, 14/15 में गुणा करना है 5/7 से, गुणा कीजिए सभी बच्चे, देखिए जब बड़ा लगता है ना ऐसे तो तिरछा तिरछा हम काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 14 को काट सकते हैं 7 से, जैसे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हम ऐसे काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आता है काटने तो आप जैसा सीखे हैं वैसे भी कर सकते हैं, पहले गुणा कर लीजिए बाद में कटा लीजिए, तो देखिए आपको जो सही लगे आप कीजिए, ठीक है, ऐसे हम काट सकते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14 5 एकम 5 5 3 15 काट के भी आंसर ला सकते हैं और बाद में भी कटा सकते हैं, तो जो आपको सही लगता है मेथड उस तरीके से कीजिए, पोल सेक्शन में करना है क्वेश्चन नंबर 60 का, लास्ट का 10 सेकेंड है सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट का 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5
फोर थ्री टू वन। देखिए कैसे करेंगे, मैंने कहा आपको मन करे तो कटा दीजिए। तो सात एकम सात, सात दूनी चौदह, पांच एकम पांच, पांच दून तिहाई पंद्रह। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या बच गया, दो गुने एक, तो दो बच गया, दो में एक से गुणा करेंगे दो। नीचे में क्या बच गया, तीन गुने एक, तो तीन बच गया। तो आंसर क्या आएगा, दो बट्टा तीन। ये तो हो गया आपका वो तरीका जो मैंने आपको नहीं बताया था करने के लिए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है, चौदह बट्टा पंद्रह है और गुणा करना है आपको पांच बट्टे सात से। तो आप चौदह पर से क्या लिख सकते हैं, चौदह में पांच से गुणा करेंगे आएगा सत्तर, बट्टे में पंद्रह सत्य कितना होता है, पंद्रह सत्य कितना होता है, सात पच्चे पैंतीस और सात एकम दस, तो पंद्रह सत्य एक सौ पांच होता है। अब इसे आप काट सकते हैं, बात सुन रहे हैं, अब इसे आप काट सकते हैं पैंतीस से, पैंतीस एकम पैंतीस, देखिए पैंतीस दूनी सत्तर, अब पैंतीस तिया एक सौ पांच, तो आंसर आएगा दो बट्टे तीन। ठीक है, पैंतीस दूनी सत्तर और पैंतीस तिया तीन सौ एक सौ पांच, तो आंसर आएगा दो बट्टा तीन। तो आप जिससे काटना चाहें, जो आपको आसान लगे आप काट सकते हैं। क्या डाउट है किसी बच्चे को, आप में से किसी बच्चे को डाउट है, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर चैट अवेलेबल नहीं है। ओके ओके सॉरी, अभी बताइए सभी बच्चे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करके, डाउट है तो एन टाइप करके। क्लियर है ना सभी बच्चों को, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दो बट्टा तीन। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, चार बट्टा एक, चार को गुणा करना है कितना, तीन बट्टा दो से। ये सभी बच्चों को आता है, जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सिर्फ इसके लिए समय मिलेगा आपको तीस सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए काटना भी है, काटेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं काटेंगे आंसर नहीं आएगा। तो सॉल्व करके पहले लास्ट में कटा दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करके कटाना भी है, सभी आंसर आएगा। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिए, लास्ट के टेन सेकेंड, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री। देखिए अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, टू वन। इतना आसान गुणा आप लोगों को नहीं आ रहा है जी, चार में तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा बारह, दो में एक से गुणा करेंगे कितना आएगा दो, दो से बारह कितना बार में कटेगा, दो छक्के बारह छह, तो आंसर आएगा छह। इतना आसान क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं आता है, जरा बताइए तो माइक ऑन करके, किनको नहीं, किनका किनका गलत था, जल्दी से चैट सेक्शन में एन टाइप करेंगे, जिनका जिनका गलत था चैट सेक्शन में एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। बलवान सिंह नाम से जो बच्चा है, आपको क्या नहीं समझ में आया था, जय वर्मा माइक ऑन करके बताएंगे क्या दिक्कत थी कि गलत किए हैं। जय वर्मा, बलवान सिंह नाम से जो बच्चा है, बताइए आप लोग को क्या दिक्कत थी कि गलत किए हैं। सर बीच में कॉल आ गई थी किसी की, इसीलिए पोल में गलत आंसर कीजिएगा, भले नहीं आंसर करते लेकिन ये जानबूझ के गलत करना तो गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको बीच में कॉल आ जाता है, आप आंसर को सॉल्व नहीं करते हैं, तो तुक्का नहीं मारना है, आप भले पोल में आंसर मत दो, आंसर तभी करना है पोल में जब आपने कॉपी पे सॉल्व किया आंसर लाया तब आपको आंसर करना है। अब ऐसा जब तक पोल में आंसर कर दें ऐसा नहीं करना, कॉल एंड की थी तब पोल एंड हो चुका था सर, तो पोल एंड हो गया तो कोई बात नहीं छोड़ देते आप, लेकिन गलत आंसर नहीं करना चाहिए ना, ठीक है, जानबूझ के गलत आंसर कर रहे हैं ये आप ही का मार्क्स कम ले जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिक्स, ऐसा नहीं करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तो चार पूर्णांक 2/3 को गुणा करना है 3 पूर्णांक 1/3 में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे प्लस में 2 करेंगे, तो 4 3 12 2 14/3 हो जाएगा ये, गुणा 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो आप सभी बच्चों को आता ही है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल में दूंगा 30 सेकंड के बाद, पहले सॉल्व कीजिए फिर मैं पोल दूंगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, फिर मैं पोल दूंगा। चलिए पोल दे दिया, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या करेंगे, 14 में पहले 10 से गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, 14 दहिया 140, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 140/9, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। इसमें भी एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, बाकी सबका सही था, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे जल्दी से, होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे, देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क मिला था पेज संख्या 24 तक, आज आपको करना है जो वो पेज नंबर करना है, ये वाला भी करना है जो लास्ट में 24 में ये है, ठीक है, बात समझ में आया, तो पेज संख्या करना है आपको 24, तो पहले भी दे चुका हूं, 25 में का ये 17.1, 25 पेज संख्या, पेज संख्या 25 के साथ करना है आपको 26 भी, ठीक है, पेज संख्या 26 के बाद आपको करना है 27 का यहां तक, ठीक है, 27 का यहां तक आपको करना है, इसको अभी रहने दीजिए, इसमें भाग है, पेज संख्या 26 ही करना है, ठीक है, पेज संख्या 25 और 26 और 24 में का आधा, ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे, पेज संख्या 24 का आधा लास्ट वाला और 25 पर 26 पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।